हरे कृष्णा। पिछले सेशन में हमने देखा कि अर्जुन किस तरह से अब कंफ्यूज है कि भगवान उनको बता रहे हैं कि बुद्धि योगा करना अच्छा है या कर्मयोग करना अच्छा है। इज कंफ्यूज, सो दैट इज व्हाई नाउ ही इज टेकिंग द शेल्टर ऑफ द लॉर्ड। Chapter 3 जो है वो इस तरह से शुरू होता है कि भाई अर्जुन की जो क्वेश्चंस है वो चले आ रहे हैं कि अगर भगवान क्या मेरे लिए श्रेयस करे वो आप बताइए। सो ऑफ कोर्स एज अ गुरु भगवान उनको पूरी तरह से जो भी बेस्ट सहायता है या बेस्ट ज्ञान है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्धियों का मतलब क्या है? बुद्धियों का मतलब ये है कि फिक्सिंग वंस माइंड एंड इंटेलिजेंस ऑन कृष्ण, दैट इज भक्ति योगा। सो बुद्धि योगा इज ऑल्सो भक्ति योगा ओनली इन डिफरेंट टर्म्स। तो इसीलिए अर्जुन कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या है, क्या करना चाहिए मुझे, कैसे करना चाहिए मुझे, भगवान आप बताइए। सो अर्जुन क्योंकि यहाँ पे ये भी सोच रहे हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं जंगल चला जाऊं, यदि मतलब वो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, वसना वरना वो कृष्ण, इसका मतलब है कि वो कृष्ण भावनामृत है। और ऐसा नहीं है, डियर डिवोटीज, भगवान समझाते हैं कि नियत कर्म करते हुए जो व्यक्ति भक्ति करता है वो पूर्ण तरह से मेरी भक्ति में रत है। एंड ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वर्ल्ड एंड आश्रम हम अपने आप को वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। सो व्हेनेवर वी डिजायर समथिंग एल्स देन कृष्णा और कृष्ण भक्ति, देन वो डिजायर गलत हो जाती है। ये और डिजायर से कंफ्यूजन पे क्रिएट करेगी कि मैं ये करूं या वो करूं या मैं इस तरह जाऊं कि उस तरह जाऊं, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा हित जो है वो भक्ति करने में है। हमें जो डिजायर्स हैं भक्ति करने से ही शुद्ध होंगी, क्योंकि भगवान 18वें अध्याय में बता रहे हैं सर्वधर्मान् प्रत्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम अपने जो सभी मनोधर्म है, या जो धर्म की बात है, ये सिख ईसाई मुस्लिम वगैरह की बात नहीं हो रही है, कि जो मनोधर्म है हमारे, मैं मेरा घर परिवार, मेरा राष्ट्र, मेरा संपत्ति, इन सबसे छोड़ के, इन सबसे ऊपर उठ के यदि हम सभी इन सभी धर्मों को त्याग के भगवान की शरण में जाएंगे, देन ऑफ कोर्स हम सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और भगवान बोल रहे हैं डरो मत। सो वी हैव टू डवटेल एवरीथिंग टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा। जैसे कि एक सैनिक जो है, यदि वो बॉर्डर पे एंड ही किलिंग लॉट ऑफ सामने वाली पार्टी के लोगों को, बहुत सारे लोगों को मार रहा है, तो गवर्नमेंट उसको मेडल देगी ऑफ कोर्स, क्योंकि गवर्नमेंट के कहने पे वो सब कर रहा है। पर यदि वही आदमी घर आके किसी पड़ोस वाले के आदमी को मार दे, टपका दे, तो गवर्नमेंट उसको जेल भेजेगी, बिकॉज पहले जो वो कर रहा था वो हायर अथॉरिटी के कहने पे वो कर रहा है, अब जो उसने किया वो खुद के इच्छा से किया, खुद की मनोधर्म से किया। इसीलिए भगवान बताते हैं सभी तरह के मनोधर्मों को त्याग दीजिए। और जो ये इसे रत्नावली लास्ट टाइम बता रहे थे कि एक सीढ़ी में जैसे बहुत सारे लैडर होते हैं, तो भक्ति योग जो है उसमें टॉप मोस्ट लैडर है। वो भक्ति योग करके हम इजीली ठाकुर जी के पास, या भक्ति करके हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। तो हम आज की श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 3 चैप्टर कर्मयोग, श्लोक संख्या 6। कृपया आप सब मेरे पीछे दोहराइए, आपके भगवद गीता तो होगी ही। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। ट्रांसलेशन एंड तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। विल कवर फ्रॉम 6 to 9। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। बाबा रे बाबा रे बाबा, इतना हेवी श्री प्रभुपाद यहाँ पे यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कि वो मिथ्याचारी कहलाता है। मिथ्याचारी क्यों? देखिए, 5 तरह की कर्मेंद्रिया है, 5 तरह की ज्ञानेन्द्रिया है। कर्मेंद्रिया क्या है? जो एक्शन करती है। ज्ञानेन्द्रिया क्या है? जो जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है। ठीक है, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, श्री प्रभुपाद जो तात्पर्य समझा रहे हैं कि जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, पर उसका जो मन है वो भटकता जा रहा है, मतलब वो मिथ्याचारी।
ओम अज्ञानक विरांतस्य ज्ञानांजल शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। प्रेम से कहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप देखिए तो बहुत सारे लोग इनफैक्ट सभी लोग अपने इंद्रियों को संयम करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आस्तिक है चाहे नास्तिक है, चाहे वो लाइटवादी है चाहे वो मायावादी है, चाहे वो यू नो शून्यवाद वाले हैं चाहे वो निराकारवाद वाले हैं। एवरीवन सब लोग बोलते हैं कि हमारी इंद्रियों को हमें संयम या वश में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंद्रियों को संयम करने से हम हमारे हायर गोल तक पहुंच सकते हैं। जैसे जी कोई एक एक स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है, यदि वो सोच रहा है कि नहीं पढ़ाई ठीक है, पहले तो मैं खेल कूद लू, पहले मैं ये मूवी देख लू और ये खाना खा लू, सो विल नॉट बी एबल टू स्टडी। सो इंद्रियों को संयम करना तो सभी सेक्टर में सिखाया जाता है, चाहे वो भक्ति वाला सेक्ट है, चाहे वो निर्गुण भक्ति वाला सेक्ट है, चाहे वो मायावादी सेक्ट है, चाहे शून्यवादी है। ये शून्यवाद में भी एवरीथिंग जीरो, हमको भगवान में विलीन हो जाना है, तो एवरीथिंग जीरो करने के लिए भी तो हमें कुछ हमारी इंद्रियों को संयम करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स एवरीवेयर इंद्रिय संयम हमको सिखाया जा रहा है, इट इज इम्पोर्टेंट। केवल कुछ मूर्खानंद लोग हैं, बावड़े लोग हैं, जो क्या बोलते हैं संभोग से समाधि तक, ओशो जैसे लोग संभोग से समाधि, मतलब आप इतना ज्यादा संभोग कीजिए, इतना ज्यादा संभोग कीजिए कि आपके संभोग करने की इच्छा खत्म हो जाए। ये तो ऐसे बेवकूफ वाली चीजें हैं कि आज यदि मैं किसी चीज से आसक्त हूं, अगेन हम रसगुल्ला और गुलाब जामुन का एग्जाम्पल लेते हैं, मैं अगर 10 गुलाब जामुन आज खा सकता हूँ, इतना खाऊं कि कल से खाने की इच्छा खत्म हो जाए। अरे बांगड़ू भैया, अगर आज मैंने 10 रसगुल्ला खा लिया तो आज मेरी इच्छा खत्म हो सकती है, पर कल जब सुबह होगी शौच क्रिया करके सब फ्रेश हो जाएंगे हम, तो वापस 10 रसगुल्ले खा सकते हैं। इससे कोई संभोग से समाधि तक जाना इट्स इम्पॉसिबल। सो ये ऐसे लोग हैं जो बोलते थे इतना ज्यादा सेक्स कीजिए कि सेक्स करने की इच्छा खत्म हो जाए। एक 80 साल का व्यक्ति जो मरणासन्न है, यदि उसके सामने भी कोई विवाह का प्रपोजल रखे ना और वो भक्त नहीं है, ही विल डेफिनेटली वांट टू गेट मैरिड, क्योंकि आसक्ति है, डिजायर्स है, सेक्सुअल डिजायर्स है, खाने की इच्छाएं हैं, वो डिजायर्स भी खत्म नहीं होती है। इसीलिए हमें हमारे डिजायर्स को डफटेल करना चाहिए भक्ति में। सो इंद्रिय कंट्रोल करना क्या है, वेरी डिफिकल्ट है, इतना इजी नहीं है, क्योंकि असंख्य जन्मों से तो इंद्रियां भाग ही रही है, इस जन्म में कैसे हम इंद्रियों को सेम कर पाएंगे। मन कंट्रोल कर लिया चलो सपोज, पर इंद्रियां तो कंट्रोल नहीं की, इंद्रियां तो भागे जा रही है, तो क्या करेंगे उसको जैसे। और प्लस यहाँ पे जो लिखा है संयम, संयम का मतलब रोकना नहीं है। लोग दिखाते संयम मतलब मैंने इंद्रिया को रोक लिया है, नहीं, संयम मतलब इंद्रिया रोकना नहीं है, संयम मतलब उनको रिडायरेक्ट करना है। रिडायरेक्ट कहाँ करना है, कृष्ण की भक्ति में, भगवान की भक्ति में, वहां रिडायरेक्ट करना है। अब जैसे गांधी जी के 3 मंदिर गांधी जी ने बिठा तो दिए, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ठीक है गांधी जी परफेक्ट है, पर बुरा मत सोचो को क्या, क्योंकि इंद्रिया तो आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, पर सोचने का क्या, मन जो भाग रहा है उसका क्या। आप सिर्फ बुरा नहीं देखोगे मतलब बुरा हो ही नहीं है, क्योंकि बुरा मन में चल रहा है आपके, बुरा आपके अंदर चल रहा है कि हाँ यू आर कंटेम्पलेटिंग इन द डेट टू दैट। इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि हम सब तरह से हमारी इंद्रियों को शुद्ध करने की कोशिश करें, मन को संयम करें। यदि हम इंद्रियों कंट्रोल करते रहेंगे तो क्या होगा, एक दिन फेल हो जाएंगे। यदि मन को हम संयमित रख पाएंगे तो हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए इंद्रियों को दफ्तेल करना बहुत जरूरी है। हमारे रूपशील रूप गोस्वामी ने उपदेश में बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, पाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान विषहेत धीर सर्वामपिमां पृथ्वीं शिष्यात्। अर्थात वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ उदर और जनेन्द्रियों के वेगों को सहन कर सकता है,
वह सारे संसार में शिष्य बनाने के योग्य है। ये कितनी डीप बात है, पर ये छह चीजें जो है इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो बस मिथ्याचारी बन के घूमते रहेंगे। जैसे हम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हम कर रहे हैं, जीभ चिप्स खाने की इच्छा कर रही है, आंखें टीवी देखने की इच्छा कर रही है, कान कोई बॉलीवुड म्यूजिक सुनने की इच्छा कर रहा है। इस व्हाट्स द पॉइंट देन, व्हाट्स द पॉइंट। हमको कोशिश करके धीरे 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 धीरे, ऑफकोर्स डे वन पे नहीं होगा, अगर डे वन पे हो जाता तो हम सब वैकुंठ और गोलोक वृंदावन बैठे होते, यह जरूरत क्या थी। मन लगाया हरे कृष्ण लग गया भगवान में मन, निकल लिए यहाँ से। इट इज नॉट दैट इजी, ऑफकोर्स टाइम लगेगा। बट मिथ्याचारी कौन है जो हरे कृष्ण भी कर रहा है और मन जहां भाग रहा है भागने दे रहा है। भक्त वो है जो कोशिश करता है कि नहीं नहीं हरे कृष्ण नहीं, नहीं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम। मन तो भागेगा, इंद्रियां भी भागेंगी, बट भक्त वो है जो कोशिश करके उसको वापस लाता है। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, साइकिल चला 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 रहे, ऑफ रोड जैसे ही हुए आप तुरंत साइकिल का, या गाड़ी चला रहे, कार चला रहे, टू व्हीलर चला रहे, तुरंत स्टेयरिंग उसको साइड में करके सीधा कर देंगे, ऑफ शूट जाते जाते, ऑफ रोड जाते जाते। सिमिलरली हम महामंत्र जप करते करते जैसे हम ऑफ रोड जा रहे हैं वैसे वापस वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उसको नियमित स्थान पर लाने की कोशिश करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहा करते थे कि मेरी जो पांच इंद्रियां हैं वो पांच घोड़ों के समान है और पांचों के पांचों घोड़े अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। हालांकि चैतन्य महाप्रभु का ऐसा कुछ था नहीं, वो तो हम जैसे बद्ध जीवों को समझा रहे थे, और उन घोड़ों को जब हम लगाम कस के रखेंगे और जब पांचों घोड़े एक तरफ दौड़ेंगे, यानी कि हमारे जो पांचों इंद्रियां हैं वो एक तरफ जाएंगी, भगवान कृष्ण की सेवा में लगने की कोशिश करेंगे हम उन्हें, तब सब कुछ ढंग से हो सकता है। वरना काफी टाइम तक हम जप करते रहे पर कुछ प्रगति नहीं होगी। हम तो इनफैक्ट आचार्य समझाते हैं कि हम इंद्रियों को वश करने के इच्छा नहीं है हमारी, हम इंद्रियों को वश करके कुछ कुछ करना नहीं चाहते, कि हम कोई योगी या ध्यानी नहीं है कि हम आंख बंद करके लीन होके हमारे इंद्रियों को मन को कंट्रोल संयम करने में लगे हुए। नहीं, हम ये इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये करने से भक्ति में अनुकूलता आएगी, क्योंकि मन को और इंद्रियों को संयमित करने से हम भक्ति में इजीली आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज द ओनली रीजन। अगर ये भक्ति में आगे बढ़ने का हेल्प नहीं करे तो हम नहीं करेंगे। श्रीमती राधा रानी तो यही कहती है ना, गोपियां तो यही कहती है, जब उद्धव भगवान उद्धव को भेजते हैं, उद्धव बहुत ज्ञानी भक्त है, ठीक है, ज्ञान बहुत ज्ञान है क्योंकि बृहस्पति के शिष्य है ना, उद्धव को बहुत ज्ञान है और उन्हें ज्ञान का घमंड नहीं पर ज्ञान पे बहुत ज्यादा आसक्ति है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैंने भगवान को समझा है, आई एम द नॉलेजेबल वन। सो भगवान बोलते हैं कि उद्धव जाओ जरा तुम वृंदावन जाओ, और जो गोपियां हैं जो मेरे विरह भाव से तड़प रही, उन्हें कुछ ज्ञान दे के आओ। सो उद्धव जाते हैं, और उद्धव जब ज्ञान दे रहे होते हैं, उद्धव बोलते हैं कि क्या क्या ये कृष्ण में मन लगा रखा है, हटाओ, निराकार में मन लगाओ, निराकार में मन लगाओ, ब्रह्म में मन लगाओ, ब्रह्म में मन लगाओ। गोपियां बहुत सुंदर बोलती हैं, क्या बोलती हैं, उधो मन ना भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग अवराधे के ईश। वापस सुनिएगा, उधो मन ना भय 10-20, उधो मन कोई 10-20 नहीं है, एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक ही था वो श्याम के संग चला गया है, को अवराधे ईश। अब कौन तुम्हारी निराकार ब्रह्म में या निराकार व्राद में या शून्यवाद में या इसमें कौन मन लगाएगा, सॉरी शून्यवाद नहीं, निराकार वाद में या उस ज्योति में कौन मन लगाएगा, एक मन था हमारे पास वो चला गया है भगवान के साथ, अब आपका कुछ बचा नहीं है। ये सुन के श्री उद्धव जी के तो होश उड़ गए कि क्या मतलब, मैं जिनको समझाने आया, ज्ञान देने आया, उन्होंने मुझे इतना सिंपल प्रेम दे दिया है, भगवत प्रेम दे दिया है। उद्धव को मथुरा से वृंदावन जाने में 1 दिन लगा था, और ये सब करने के बाद, सीखने के बाद, वृंदावन से मथुरा पहुंचने में 2 महीने लग गए थे क्योंकि बावड़े हो गए थे कि क्या है ये।
गोपियों का प्रेम जो गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ना उन्हें कुछ मान चाहिए, सम्मान चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना नाम चाहिए, ना ज्ञान चाहिए, ना ध्यान चाहिए, ना सिद्धि चाहिए, सिर्फ भगवान का प्रेम चाहिए। और वो क्या बोलती है, वो दो मन ना ही दस बीस, एक हो तो जो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। कितना सुंदर, कितना सुंदर है और कितना डीप है। पौर्णमासी, पौर्णमासी जो मधुमंगल की दादी है, वह ये गोपियों को बोलती, क्या हुआ इतना, क्यों तुम यू नो कष्ट में हो? बोलते क्या करें, श्याम सुंदर है जो स्मरण आता रहता है, स्मरण मत करो उनका, छोड़ दो, उस छलिए को याद मत करो, रहने दो। गोपियां बोलती है याद नहीं करें, हम तो कोशिश कर रही है कि वो स्मरण में ना आए, हम उन्हें भूल जाए, हम तो पूरी कोशिश करती है कि उसका एक बार स्मरण ना हो, पर क्या करें, इतना घुस गए, रम गए, बस गए कि न चाहते हुए भी उनका स्मरण आता है। डियर डिवोटीज, डियर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड दिस डीप फिलोसॉफिकल तत्व। हम कोशिश कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे भगवान को याद करने की, नहीं हो पा रहा। गोपियां कोशिश कर रही हैं भगवान को भूलने की, नहीं हो पा रहा। व्हाट लेवल, क्या लेवल है उन गोपियों का, हम सोच भी नहीं सकते। हम जिन भगवान को दिन रात उनके नाम रूप गुण लीला उनके कथाओं से, उनके नाम से, उनके यू नो उनके बुक से, आचार्यों की वाणी से उनको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, वही गोपियां पौर्णमासी को बता रही है कि हम उन्हें भूलना चाहते हैं, पर क्या करें, नहीं भूल सकते। तो हमें ऐसे गोपियों के अनुगत्य में भक्ति करने की कोशिश करनी चाहिए। और ऑफ कोर्स हमारे आचार्य आचार्यगण ने बहुत सुंदर और बहुत सिंपल तरह से हमें ये गूढ़ ज्ञान दे दिया है। तो देखिए डिवोटी, इसलिए जो जो मन है और इंद्रियां हैं उसको पूर्ण तरह से हमें भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, धीरे धीरे हो जाएगा। हम सब भगवान को खुश करने के लिए आए हैं और कुछ हमारा इस पर्पस नहीं है इस भौतिक जगत में आने का। ओनली वी वॉन्ट टू प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड, दैट इज द ओनली गोल। इनफैक्ट भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज जो श्री प्रभुपाद के गुरु महाराज थे, वो संस्कृत सीखने गए, जो उनके संस्कृत के जो टीचर थे वो बोले, हाँ तुम्हारा भगवद गीता तो ठीक है, संस्कृत कुछ श्लोक लोग है ठीक है, पाणिनि का संस्कृत पढ़िए, पाणिनि का संस्कृत राइट संस्कृत, ग्रामर ऐसा वैसा ये वो। श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज रिजेक्टेड हिम, सर मैं कोई संस्कृत का पंडित बनने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं हरि का भक्त बनने आया हूँ, आई एम नॉट हियर टू बिकम अ लर्नेड स्कॉलर, मैं हरि का भक्त बनने आया हूँ, और यदि ये संस्कृत तुमसे संस्कृत सीखने मुझे ये अवरोध या बाड़ा या एक बाधा उत्पन्न करती तो नहीं चाहिए। ही रिजेक्टेड हिज टीचर बिकॉज वो उनको हरि भक्ति के मार्ग से भटका रहे थे। तो ये समझिए ज्योतिष की, हम इस संसार में कोई तोप चलाए नहीं आए हैं, और जो चला रहे हैं उनको चलाने दीजिए। अलेक्जेंडर द ग्रेट और हिटलर बहुत तोपे चलाए उन्होंने, आज वो हिस्ट्री के बुक्स में बन के रह गए हैं और अब तो लोग भूलते जा रहे होंगे। हम यहाँ पे आए हैं भगवान की भक्ति करने, संसार में आए हैं जियो, शास्त्र है शास्त्रों को पढ़ो, किस लिए करो, भगवान के लिए करो, भगवान में मन लगाना है, दैट इज अ प्राइम गोल। सो चैंटिंग में मन लगना चाहिए, ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि डे वन से लग जाएगा, टाइम लगता है, बट कोशिश जारी करते रहना चाहिए, होगा होगा, क्योंकि मन तो क्या बोलेगा, हरे कृष्ण सो जा यार, सो जा, क्या कर रहे कृष्ण कृष्ण सो जा, तो मन की बात मान के सोने जाना है हमको, हमको कोशिश करनी, मन को बोलना रुक जा रुक जा, वो बोलेगा सो जा, आप बोलो रुक जा, जल खाइए, जल पिए, सॉरी थोड़ा वॉक कर लीजिए, पर चैंटिंग कीजिए, पढ़िए, मन को लगाइए भक्ति में, वरना तो गोलमोल होकर हम इस जीवन में जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र है उसमें खोके पड़े होकर रह जाएंगे, हम निकल नहीं पाएंगे। अल्टीमेट गोल क्या है, टू गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड, वो नहीं कर पाएंगे, अगर उस पर ध्यान नहीं लग पाया तो फिर सब फेल है ना। तो फेलियर से सक्सेस की तरफ जाने का एक ही तरीका है,
भगवान की भक्ति में मन लगाए। दुनिया में असंख्य प्रलोभन है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, आज ये क्रिकेट मैच है, आज वो नई मूवी है, आज ये नया रेस्टोरेंट खुला है, आज वहां घूमने जाएंगे, क्या क्या मिल जाएगा सब करके। यदि आपका मन भगवान में नहीं है, इज नो पॉइंट। बट जैसे व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए, शुरू शुरू में चीजें समझ में नहीं आती थी, डीप टॉपिक्स होते थे, मार्केटिंग के फंडे, फाइनेंस के फंडे, ट्रिप 4 P's ऑफ मार्केटिंग और ये और वो, बट नहीं अटेंड करने से लेक्चर थोड़ी समझ में आ जाएगा। शुरू शुरू में नहीं समझ में आ रहा था, सब ऊपर से बाउंसर जा रहा था, सिर्फ क्रिकेट में होता ना बाउंसर जा रहा था सब कुछ, बट बैठे कोशिश की समझने लगे तो धीरे 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 समझ में आने लगा, एंड देन आई कुड फिनिश माय एमबीए। सो डे वन पे अगर मैं बैठा कि नहीं समझ में आ रहा है एमबीए, मैं तो जा रहा हूँ छोड़ छाड़ के, नहीं, स्लोली 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 स्लोली। सिमिलरली भक्ति में भी डे वन पे मन नहीं लगेगा डियर डिवोटीज, और लग जाता तो हम वैकुंठ में या भगवत धाम में होते ना, इसीलिए स्लोली स्लोली मन लगेगा, बट हमें कोशिश नहीं छोड़नी है, सब समझ में आ जाएगा, कोशिश नहीं छोड़नी, कोशिश वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा गोल गोल क्लियर होना चाहिए, हमारा गोल क्या है, गोल है भगवत धाम जाना, ये हमारा गोल है, दिस गोल शुड बी क्लियर इन अ लाइफ, और उस गोल को प्राप्त करने के लिए जो हमें अनुकूलता बरतनी है वो अनुकूलता होनी चाहिए, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए लाइफ में। अब जैसे एक एग्जाम्पल है जो किसी मिलिट्री बॉडी ने बताया था कि वो जब डॉक्टरी पढ़ रहे थे तो उनका एक उनके से एक सीनियर था जो 10 साल से फर्स्ट ईयर में था, तो उनको पूछा कि क्या हुआ भैया आप 10 साल से फर्स्ट ईयर में ही हो, आपको डॉक्टर नहीं बनना, आपको आगे नहीं बढ़ना, आपको क्लिनिक नहीं खोलना। बोले मेरा जो फादर है, माय फादर इज मल्टी मिलियनियर, बहुत पैसा है उनके पास, हर महीने पैसा आ जाता है, जिंदगी आराम से कट रही है, मैं पास करूंगा तो नौकरी करनी पड़ेगी या मुझे क्लिनिक खोल के दे देंगे, काम करना पड़ेगा, छोड़ो ना पैसा आ रहा है, जिंदगी जी रहा हूँ, शादी भी हो गई है, बच्चा भी हो गया है, यहाँ तक हो गया, मतलब उनका गोल ही गलत हो गया है जीवन का। गोल क्या था, डॉक्टरी डॉक्टर बनो, सेवा करो, मतलब सेवा इन द सेंस कि क्लिनिक खोलो या समाज सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, व्हाटएवर, पैसा कमाओ, ये भी एक गोल हो सकता था, बट अब गोल ही गलत हो गया है, कौन मेहनत करेगा, पिताजी के पास बहुत पैसा है, पैसा देते रहते हैं, मेरा जीवन चल रहा है आराम से, सो ये ठीक नहीं है। सो मन भी कैसा है, मन भागता रहता है, मन लेफ्ट राइट सेंटर आता रहेगा, बट हमें उत्साह पूर्वक, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, उत्साह निश्चय और धैर्य के साथ हमको मन को लगाना पड़ेगा भगवान की भक्ति में, तभी हम स्लोली स्लोली जो बोलते ना रस नहीं आ रहा, रुचि नहीं आ रही है, मन नहीं लग रहा है, हमें आनंद नहीं आ रहा है, आनंद तो आएगा बट आपको समय, आपको मन, अपनी इंद्रियां देनी पड़ेगी ना, वरना क्या होगा, आप मिथ्याचारी कहलाएंगे हम। जैसे लोग बोलते हैं अरे बहुत ढोंगी गुरु है, बहुत खोटा सिक्का, जब तो खोटा सिक्का चल गया, खोटा सिक्का तब चलता है जब लोगों को असली सिक्के के बारे में मालूम ही नहीं है, ढोंगी गुरु कब चलेंगे, ढोंगी गुरु तब चलेंगे जब लोगों को असली गुरु के बारे में मालूम ही नहीं है, टीवी पर देखिए एक और सन्यासी, एक और भगवा वस्त्रधारी का पर्दाफाश, तो लोग यही देखते हैं। कभी लोगों ने आके देखा है हमारे इस्कॉन में या गौड़ियाज में, जितने हमारे परंपरा चली आ रही है, कितने कितने सुंदर और इतने यू नो एफल्जेंट सन्यासी एंड ब्रह्मचारी जी हैव, उनको कभी कोई कवर नहीं करता है कि आज इस्कॉन के या आज इस गॉडियर्स के या आज इन सेक्टर के या रामानुजाचार्य सेक्टर के या ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य ने आज ऐसा किया, ऐसा किया, नहीं, क्योंकि उसमें कुछ उनको माल मसाला नहीं मिलता ना, इसीलिए ढोंगी गुरु से फिर ढोंग से पकड़े जाते हैं, ढोंग होता है उनके साथ, उनका पैसा वैसा ऐसा लूट लिया जाता है और फिर लोगों को श्रद्धा खत्म हो जाती है, क्योंकि बुद्धि नहीं लगाते ना, बुद्धि लगाएंगे यदि कि कौन सही गुरु है तो सही गुरु मिल जाएंगे। जो हमारा एक गुरु वाला एक शॉर्ट वीडियो भी है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि गुरु परखने की भी कुछ 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 लेवल्स है, कुछ तरीके हैं, ऐसे थोड़ी कि आज उसने गुरु एक्सेप्ट किया तो मैंने भी गुरु, भेड़ चाल थोड़ी है, यू हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ। सो ढोंगी गुरु उनको ही मिलता है या ठग वाला गुरु उसको ही मिलता है जो ठगना चाहता, अपने आप को ठगना चाहता है,
आइए आप अपने पास के सेंटर में जाइए, इस्कॉन में जाइए, इतना सुंदर परम गुरु परंपरा शिष्य गुरु शिष्य परंपरा चल रही है, इट इज इम्पोर्टेंट। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे, अरे माला कर रहे हो, हरे कृष्णा क्या कर रहे हो, मन तो लग नहीं रहा, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो जीवन में। उनको प्रेम से हाथ जोड़ के बोलिए, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 2 साल बाद, 5 साल बाद, कभी ना कभी तो मन लगेगा। आप तो वो भी नहीं कर रहे हैं, वो नहीं करके मन लग जाएगा क्या आपका? मैं तो 24 घंटे मन में भगवान का नाम लेता हूँ या लेती हूँ, मेरे तो मन में भगवान बैठे हैं। कौन से मन में बैठे हैं? मेरे तो हृदय में भगवान बैठे हैं। मतलब कहाँ, लेफ्ट सेंटर में, राइट सेंटर में, या उससे नीचे के ऊपर से, या नीचे कहाँ एग्जैक्टली भगवान कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ पे आपका निरंतर भगवान नाम चलता रहता है? और नाम चलता रहता है तो ये टीवी में सास बहू के सीरियल क्यों देखते हो, या वो मूवीज क्यों देखते हो, या वो झगड़े क्यों करते हो? अगर हृदय में इतनी ही शुद्धता है, हृदय में इतना ही भगवान का वास है, तो संसार में क्यों लगे हुए हो भैया? छोड़ो इस अनाचारी संसार को, छोड़ो इस माया जाल को, चले जाओ वृंदावन और नवद्वीप मायापुर। नहीं जा सकते ना, क्योंकि मिथ्याचार कर रहे हैं, झूठ आरोप कर रहे हैं सब, या झूठ बोल रहे हैं। 24 माला में हरे कृष्ण का क्या मतलब है? मन में माला करो, असंख्य नाम जप होता है, जो ऐसा बोलते उसको बोलो, अच्छा एक काम करो, 2 घंटा माला पे नाम करके दिखा दो, 22 घंटा मन में करते रहना। एक माला नहीं कर पाएंगे वो लोग, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मन में लगे, मन लगेगा तो माला करेंगे ना। सुनिश्चित आपको कोई बोले, अरे मन में नाम लो, ये क्या नाम, नाम हरे कृष्णा उसको, ठीक है ये लो माला पकड़ो, मैं मन में करता हूँ, आप 2 माला करके दिखा दो उसमें, 2 घंटे तो नहीं, 2 माला करके दिखा दो आप। नहीं करेगा कोई, क्योंकि दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय देयर सेंसेस, सॉरी दे आर कंट्रोल्ड बाय देयर सेंसेस, देयर सेंसेस आर नॉट कंट्रोल्ड बाय देम। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, कि कौन ढोंगी है और कौन ढोंगी नहीं। ये वैसा ही हो गया जैसे इंद्रिय कंट्रोल कैसे समझ में आ सकता है आप लोगों की, जैसे एक नर्सरी में बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, जैसे वेदांत स्कूल जाए नर्सरी में, और वो ए बी सी डी नहीं लिख पा रहा है, शुरू शुरू है ए, उसको क्लास से निकाल देंगे, बाहर निकल जाओ, तुम कुछ सीख नहीं सकते, तुम जाए जाओ, कोई तुम एकदम लफंडर हो, ए बी सी लिखना नहीं आ रहा तुमको, क्या करोगे जीवन में, निकाल दिया। तो बच्चा अनपढ़ रह जाएगा जीवन भर, क्योंकि उसको नर्सरी से निकाल दिया, उसको पढ़ना नहीं आता। अरे भाई वो कोशिश तो कर रहा है, आज वो ए बी सी लिखेगा, कल उसको सेंटेंस लिखना आएगा, आगे के क्लासेस में ही मेक सेंटेंसेस, देन उसकी ग्रामर परफेक्ट होगी, देन ही कैन स्पीक इंग्लिश। हो सकता है उस चीज को 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, यदि आप उसको पहले दिन में निकाल दोगे तो अनपढ़ रह जाएगा। सिमिलरली आज नाम में मन नहीं लग रहा है, छोड़ो नाम जप नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। अरे नहीं करने से क्या नाम में जब, नाम जप में मन लग जाएगा? तो बेस्ट है कि जितना हो सके उतना नाम जप कीजिए, धीरे धीरे करते 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 नाम में रुचि आएगी, मन लगेगा ही। उत्साह रखना पड़ेगा, उत्साह रखना पड़ेगा, यदि उत्साह नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। किसी भी फील्ड में आप देखिए, पढ़ाई लिखाई हो या खेल कूद हो, या आप घूमने जाते हैं, या आप खाना खाते हैं, हर चीज में क्या बनाया आज, भिंडी की सब्जी, दाल मखनी, रोटी सब्जी, दाल और चावल, ठीक है दे दो, कितना भी टेस्टी खाना बनाओ, इच्छा नहीं। क्या बनाए आज, खिचड़ी है और दही है और अचार है, अब वाह वाह, चलिए आप तो खिचड़ी, प्रभुपाद भी खिचड़ी बहुत अच्छा पसंद करते थे, मैं भी आज खिचड़ी खाऊंगा, दीजिए दीजिए। तो चाहे खिचड़ी हो, यदि उत्साह से खाएंगे तो आनंद आएगा, और यदि 56 पकवान है पर आलस नहीं, उत्साह नहीं है, तो कोई आनंद नहीं आएगा। इसीलिए भक्ति करते करते आनंद आएगा ही, दिस इज द राइट पाथ जो हम सबने चुना है, बट स्लोली स्लोली आएगा। जैसे स्कूल में कोई पढ़ रहा है तो स्कूल के रूल्स फॉलो करेगा तो हील धीरे धीरे हील गेट ग्रेजुअली स्कूल से पढ़ के बाहर निकलेगा। आर्मी के रूल्स है तो आर्मी के रूल फॉलो करेगा तो आर्मी के अंदर रह पाएगा। वैसे भक्ति है, भक्ति के रूल्स जब फॉलो करेंगे हम तो भक्ति में धीरे धीरे हम, हमारा मन लग ही जाएगा, ठीक है, मन लग ही जाएगा। वरना क्या है कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, कि इंटेंशन तो राइट है हमारा, अगर हम इंटेंशन भी राइट नहीं, हमारा इंटेंशन क्या है, भक्ति करना, अगर हमारा इंटेंशन राइट है तो हम स्लोली स्लोली इस पाथ तक पहुंच जाएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और कुछ लोगों का इंटेंशन ही गलत होता है। इस्कॉन में जाएंगे ना, इस्कॉन में तो बहुत फॉरेनर्स है, तो मैं क्या करूंगा, अमेरिका का वीजा मिल जाएगा मुझे। जैसे हमारे वरिष्ठ गण बताते ना कि तुलसी कृष्ण प्रेस नमो नमः, और कैसे कि भाई उसमें जो हमारे तुलसी कीर्तन है उसमें ये आता है कि धाम में वास मिल जाए, पर गुरु महाराज बताते हैं और कुछ सीनियर डिवोटी से बताते हैं कि अमेरिके दियो वास, मतलब इस्कॉन में आ गए, बहुत कुछ फॉरेनर्स में है, तो हम अमेरिका का वीजा मिल जाएगा, अमेरिका चले जाएंगे। इंटेंशन गलत हो गया। हमारे एक भक्त थे, मतलब भक्त थे, अब उनका इंटेंशन चेंज हो गया। हम जब पहले मायापुर गए थे तो बोलते भैया प्रभु जी फॉरेनर्स बहुत है, अगर इनसे शादी कर लू मतलब मैं भी फॉरेन चला जाऊंगा। तो क्या इस्कॉन में आने का मतलब ये थोड़ी कि फॉरेनर से शादी कर लो तो फॉरेनर फॉरेन चला जाएंगे, रशियन से अमेरिकन से। सो इंटेंशन गलत है, आप सही जगह आ गए हो तो इंटेंशन तो गलत नहीं होना चाहिए आपका कि इस्कॉन में आ गए हैं अब अमेरिका चले जाएंगे, कोई फॉरेन डिवोर्स से शादी कर लेंगे तो फॉरेन चले जाएंगे, नहीं, दैट इज ऑल रॉन्ग। सो कैसा है कि मन को भागने से प्रॉब्लम नहीं है, मन तो भागेगा ही। श्रील प्रभुपाद क्या कहे, योर बिजनेस इज टू चैंट हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, बोलो और सुनो, बोलो और सुनो। मन भागेगा पर स्लोली स्लोली करते 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 मन भी आपके कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि हमारा गोल क्या होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए चैंट एंड टू रिमेम्बर लॉर्ड। अब विश्वामित्र थे, विश्वामित्र ने अपने मन को कंट्रोल तो कर लिया था, पूर्ण तरह से कंट्रोल कर लिया था, और उनका गोल क्या था, गोल था ब्रह्म ऋषि बनना, उनका गोल भगवान को प्राप्त करना नहीं था। इसीलिए जैसे ही मेनका आई उनका मन निकल गया, क्योंकि मेनका के आते ही, क्योंकि मन, देखिए मन कहाँ कंट्रोल हो पाएगा, भगवान के श्री चरणों में, भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, अगर ये नहीं है तो मन कंट्रोल नहीं हो पाएगा। कितने भी योगी ध्यानी सब बैठ के कंट्रोल करने की कोशिश करें, पर जैसे ही कोई डिस्ट्रैक्शन आएगा मन निकल लेगा वहां से। इसीलिए मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, मन को कंट्रोल नहीं किया तो नहीं हो पाएगा। सो हमारे जो सीनियर्स हैं अच्छा कर समझाते हैं कि मन को कंट्रोल करना सही है कि गलत है, ये क्वेश्चन आता है। तो वो है कि पर्पस क्या है, मन को कंट्रोल करने से यदि भक्ति मिलती है तो सही है, मन को कंट्रोल करने से यदि कुछ और जो भक्ति के अलावा मिलता है तो मतलब नहीं है, क्योंकि तो हम मन को कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति बहुत मोटा है, ठीक है, तो पतला होना चाहता है, वो एक्सरसाइज करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, डाइट करते हैं, एक्सरसाइज सब कुछ करते हैं, उनका गोल क्या है, शॉर्ट गोल है कि मुझे पतला होना है ताकि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, ताकि मैं अल्टीमेटली भगवान की सेवा अच्छे से कर सकूं। सो राइट, ये उनका गोल परफेक्ट है और उनका पर्पस भी परफेक्ट है, उस गोल तक जाने का जो रास्ता है वो परफेक्ट, क्योंकि कैसा है कि हाँ अगर हम बहुत मोटे हैं, अगर हम बहुत ज्यादा हैवी हैं वेट में, तो हम कुछ सेवा ढंग से नहीं कर पाएंगे। सो इट इज बेटर कि अपने आप को फिट बनाए, फिट बना के भगवान की सेवा में लगे, सो परफेक्ट है। जैसे हम सभी ने गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सुना होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी से इतने आसक्त थे, इतने आसक्त थे कि अपनी पत्नी को सामने बिठाते थे और उनकी आंखों पे कविता लिख रहे हैं, अपनी पत्नी को सामने बिठाया और उनके मुख, उनका मुख, अपने मुख को चंद्रमा के समान समझिए, मुख पे कविता लिख रहे हैं, अपनी पत्नी के केश पे कविता लिख रहे हैं, और बस लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। उनकी पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली, हमारी पत्नी का नाम भी रत्नावली है, बस वो भी हमें भक्ति में लगा रही है। सो रत्नावली देवी जो थी तुलसीदास जी की पत्नी, वो बोलती है जितना मन तुम मुझ में लगा रखे हो ना, जितना ध्यान तुम मुझ में लगा रखे हो ना, उसका 10% भी अगर भगवान में लगाओ ना, तुम सदगति को प्राप्त करोगे। तुलसीदास जी को ये बात मन में लग गई कि हाँ यस परफेक्ट बात है। उस दिन के बाद से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, एंड देन रामचरित मानस उन्होंने रच दी, राम जी के प्रमुख भक्तों में उनका नाम आता है। सो उन्होंने क्या किया, अपना जो गोल था वो सही जगह सेट किया। बिल्व मंगल ठाकुर हमारे बहुत सुंदर आचार्य हैं,
जिन्होंने कृष्ण का नाम रत्न नामक ग्रंथ लिखा है, वो एक वेश्या के शरीर से बहुत आसक्त थे। वेश्या बोली, तुम इस मल मूत्र के जो पंच महाभूत के शरीर से आसक्त हो, यदि इतनी आसक्ति तुमने भगवान के नाम में लगाई होती तुम आज कितने बड़े भक्त होते। नील को छू गई ये बात, उसी क्षण उसी समय वेश्या का त्याग किया। उस वेश्या को बोला, तुम मेरी गुरु हो, और छोड़ छाड़ के चले गए वृंदावन। और फिर चौरागी अष्टकम लिखा उन्होंने, ऐसे बहुत अनेक कविताएं लिखी हैं, अनेक अष्टकम लिखे हैं, अनेक ग्रंथ लिखे हैं। सो गोल क्लियर होना चाहिए हमारा, गोल इज टू अचीव कृष्ण प्रेम, गोल इज टू अचीव कृष्ण भक्ति, ये हमारा गोल है। अब देखिए कुछ हम तीन चार पांच तरह के लोगों की चर्चा करेंगे। मूर्ख कौन लोग हैं, जिनको ना रास्ता पता है ना गोल पता है, कहाँ जा रहे हो, बस ये ट्रेन जा रही है वहां चले जाएंगे, हाँ कहीं भी चले जाएंगे, जहां आप चलो वहां चले जाएंगे, मूर्ख लोग हैं। स्पेशल मूर्ख कौन है, जिनको रास्ता पता है पर गोल नहीं पता। ये रास्ता कहाँ जाता है, ये रास्ता जाता है मुंबई की तरफ, आपको कहाँ जाना है वो पता नहीं, पता नहीं कहाँ जाना है, स्पेशल मूर्ख। मिथ्याचारी कौन लोग हैं, जो दिखावा कर रहे हैं ना, हाँ हाँ हम सब पता है, हाँ हाँ भगवान कृष्ण भगवान, हाँ हाँ, पर ढोंग कर रहे हो, अंदर से ढोंगी है, कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। सहजिया लोग कौन है, जो अपने हिसाब से भगवत गीता या भागवतम या ग्रंथों को तोड़ मोड़ के प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि दे वॉन्ट टू एंजॉय लाइफ। हाँ हाँ यू आर ऑल गोपीज, तुम ललिता, तुम विशाखा, तुम इंदुलेखा, तुम फालतू, तुम ढिकाना, कुछ भी, वो सहजिया लोग हैं जो अपने आप को गोपी भाव समझ के और कृष्ण समझ के दे आर एंजॉइंग, दे वॉन्ट टू एंजॉय। वाहियात। भक्त कौन है, जिसको पता है मेरा लक्ष्य है कृष्ण प्रेम और भक्ति, ये मेरा लक्ष्य है। और ढोंगी कौन है, हाँ हाँ कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति लक्ष्य है ये बोलते हैं, अंदर से क्या है, कितना पैसा आया, कितनी प्रॉपर्टी बनी, ये उनका लक्ष्य है। सो हमें मिथ्याचारी नहीं बनना है, हमें ढोंगी नहीं बनना है, हमें कोशिश करनी है हमारी सारी इंद्रियों को मन को लगाना है जीवन के गोल को, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने में। मन लगाओ, समय लगेगा, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, लगाओ, पर हमारा गोल क्लियर है। दस जने कहेंगे ये क्या माला लेके रखी, क्या इस कौन जाते हो, क्या भगवद गीता पढ़ रहे हो, ये कोई उम्र है तुम्हारी? उनको पूछो आपकी उम्र क्या है, 50 साल है मेरी उम्र, 50 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। डियर डिवोटीज, डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए, कितनी उम्र है आपकी, 50 साल की उम्र है मेरी, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, 50 साल का एक्सपीरियंस है। उन्हें बोलिए जो हमारे ठाकुर जी है ना, जो हमारे भगवान कृष्ण है ना, उनकी उम्र तो किसी को पता है नहीं, पर फिर भी 5200 वर्ष पूर्व भगवद गीता में लिख के गए हैं, बोल के गए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है या भगवान का एक्सपीरियंस ज्यादा है? यदि भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, मतलब भगवान की भक्ति करनी है, तो किसका एक्सपीरियंस ज्यादा हुआ, उन 50 वर्ष के उस व्यक्ति का या भगवान का? या भगवान जब बोल दिए हैं क्या मेरी भक्ति करो, तो बस उस व्यक्ति को दो हाथ जोड़िए, मस्तक नमन कीजिए, बोलिए आपके एक्सपीरियंस से ज्यादा एक्सपीरियंस बड़ा भगवान का है, भगवान बोल चुके हैं तो भक्ति करनी चाहिए, बात खत्म। और बात समझाइए, इतने सेक्ट हैं, इतने भक्त हैं, इस्कॉन ही नहीं, इस्कॉन को साइड में रखिए, इस्कॉन को बाजू में रखिए, चाहे वो आप और संप्रदाय ले लीजिए, चाहे और रिलीजन ले लीजिए, सभी में भगवान की भक्ति करने को बोला गया है, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो क्रिश्चियंस है, चाहे जुडाइज्म है, सब में किसी न किसी हायर अथॉरिटी की भक्ति करने को कहा गया है। सब मूर्ख है क्या, सब पागल है क्या? आपको विश्वास नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज गलत है। यदि मैंने जापान नहीं देखा तो मतलब कि जापान एग्जिस्ट नहीं करता है, मैंने मेरी आंखों से नहीं देखा है, तो यदि आपको विश्वास नहीं है भगवान पे, इसमें थोड़ी कि भगवान नहीं है। जैसे आप कभी क्लासिकल म्यूजिक सुनने हैं या सुनने गए हैं कभी किसी कॉन्सर्ट में, जैसे पहले डीडी पे मैंने बसता था, पा, 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 पा। इतना बोरिंग लगता है वो चीज, 5 मिनट में आपको नींद आ जाएगी, ओनली 5 मिनट्स यू स्लीप। पर जिनको उसमें रस आता है उनके शोज होते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे चलते हैं,
क्योंकि उनको उसमें रस आ गया है। सिमिलरली जो बाहर से भक्ति को देखते हैं ना, जो बाहर से स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं, उनको लगता है क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या दिन भर ये कि सुबह उठते हो, मंगला आरती होती है, फिर माला करते हो, फिर घूमते हो, भागवत पढ़ते हो, फिर काम पे जाते हो, ये क्या शाम को आते हो, आप भगवत गीता पढ़ते हो, क्या ये भी है। उनको बताइए भक्ति इज द रियल फन। क्या क्या नहीं करते हम भगवान का नाम लेते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उनकी कथाएं श्रवण करते हैं, हम फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हम जाके लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम प्रसाद खाते हैं, हम ब्यूटीफुल दर्शन करते हैं रितीश का, क्या दिस इज ऑल का फन? द पीपल आर मिसिंग आउट ऑल द फन। ऐसे लोग बोलते ना कि रस कहाँ है, रस कहाँ है, टेस्ट कहाँ है? तो टेस्ट तो भैया नाम में ही है, टेस्ट और कहीं है नहीं। तो टेस्ट लेना होगा तो नाम जप करना होगा, टेस्ट लेना होगा। ये जो लोगों को लगता है कि नीरस है भक्ति, भक्ति नीरस नहीं है भैया, दुनिया भर का सारा रस गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक में भी जो विवासी हैं वो पूरे दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही नाम लेते रहते हैं। So, गुरु के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, जो वो प्रेम धन यहाँ आ गया है उससे ज्यादा रस कुछ में हो सकता है? लोग भ्रमित है, इसीलिए लोग कंफ्यूज है एंड दे डू नॉट नो व्हाट टू डू एंड दे डू नॉट नो वेयर टू गो, इसीलिए द होल कंफ्यूजन इज देयर। बट भक्तों को देखिए दो चीजें हमेशा करनी चाहिए, भक्तों को ज्ञान लेना चाहिए और भक्तों को एसोसिएशन में रहना चाहिए। एसोसिएशन में इसीलिए ताकि लोग आपको भ्रमित ना कर सके, लोग आपको कहीं लेफ्ट राइट सेंटर ना ले जा सके, और ज्ञान इसलिए कि जब आपको लोग क्वेश्चन पूछे तो आप उनका सही से जवाब दे सके। सो बाहरी रूप से हमें लोगों से अगर बचना है तो हमें एसोसिएशन और ज्ञान होना चाहिए हमें, एसोसिएशन ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इंटरनल रूप से लोगों से बचना है तो हमें नाम जप करना चाहिए, टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इफ वी वॉन्ट टू सेव आवर सेल्फ from the external world, association is very important. And internally शुद्ध करने के लिए नाम जप is very important. श्रवण, श्रवण is important and श्रवण से ही फिर हम मनन तक पहुंच सकते हैं। So in fact आप ये देखिए कि हम तो इतने साल से जप कर रहे हैं प्रभु जी, इतना टाइम हो गया आपको करते हुए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, अभी तक तो भगवान आए नहीं बचाने के लिए। अरे भगवान लास्ट मोमेंट तक आपके फेथ को टेस्ट करते हैं, आपकी श्रद्धा को टेस्ट करते हैं। अल्टीमेटली मेरा शरीर मैंने भगवान को दे दिया, मेरा पैसा मैंने भगवान को दे दिया, मैंने मेरा घर भगवान को दे दिया, कुछ आपका है ही नहीं। ओनली आपकी श्रद्धा आपकी खुद की है, आपका फेथ आपका खुद का है जो आप भगवान को दे सकते हो। बाकी शरीर नाम पैसा बंगला गाड़ी सब भगवान का ही है। तेरा तुझको अर्पण काल आगे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। Only your श्रद्धा your faith is yours which you are giving to the Lord। द्रौपदी को last moment पे जब दोनों हाथ खड़े कर दिए उसके बाद भगवान बचाने आए। गजेंद्र जब almost पूरा डूब चुके थे, सिर्फ सूंड और मुंह बाहर था, तब भगवान वैकुंठ से दौड़े दौड़े उनको बचाने के लिए आए। तो आप और हम में अभी तक इतनी श्रद्धा कहाँ जागी है? श्रद्धा तो जगह नहीं पड़ेगी ना, मन तो लगाना पड़ेगा ना। बाइबल में एक कथा आती है कि एक उनके जीसस के एक भक्त थे, शायद नाम डेविड था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग। एक बार एक फाइट होने वाली थी। ऐसा नहीं है कि देखो कि भगवान सिर्फ जंगल में आएंगे, या भगवान तो भक्तों को लड़ने भी भेजते हैं। और कितने ऐसे भक्त हैं भगवान के जो लड़ते लड़ते मर गए हैं, जिनको मार दिया गया है। बिकॉज इफ इफ गॉड वॉन्ट्स इस तरह से उनका नाम होगा तो इस तरह से उनका नाम होगा। सो लड़ने जाने वाले तो उनके पास करीब 4,000 लोग थे, 4,000 पीपल, और सामने की सेना में 10,000 लोग थे, 10,000 वर्सेस 4,000। अब वो बोले कि भगवान बोले कि अच्छा इसको आधी कर दो, आधी कर दो, ठीक है 2,000 ले लिए। फिर भगवान बोले, सॉरी जीसस बोले, जीसस बोले कि जो इनको पानी पिलाओ, जो हाथ से पानी पिए उनको रख लो, जो मुंह से डायरेक्ट पानी पिए उनको हटा दो, 300 बचे। वो 300 ये स्पार्टन नहीं है, जो स्पार्टन मूवी आई थी 300 वो नहीं है, 300 बचे। मतलब क्या कर रहे हो भगवान, ये तो तीन, जीसस व्हाट आर यू डूइंग, 300 बचे हैं, सामने 10,000 लोग हैं। जीसस बोले
आई एम यू विल विन, आई एम सेइंग यू विल विन, डोंट वरी अबाउट दैट, तुम जीतोगे इसके बारे में शंका नहीं है, पर यदि तुम 300 से जीतोगे तो तुम्हारा फेथ मुझ में बढ़ेगा, तुम्हारी श्रद्धा मुझ में बढ़ेगी, मुझ में लगेगी, यदि तुम ज्यादा लोगों से जीतते तुम्हारी श्रद्धा खुद में आ जाती है ये मेरी वजह से मैं जीता, क्योंकि अब तुम कम हो और तुम कम इतने बड़ी सेना के सामने जीतोगे तुम्हारा फेथ मुझ में लगेगा। इसीलिए भगवान क्या बताते हैं कि भगवान में फेथ लगाओ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी ओर यदि निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है तो बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग में प्रारंभ हो जाता है। अपना नियत कर्म करो, कर्म की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, न कर्म कर्म ओके। सो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो मिथ्याचारी व्यक्ति है वो यूजलेस है बेसिकली, क्योंकि अपना कर्म करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भक्ति कर रहे हो अब क्या बाहर से, भक्त कई बार क्या लोग बाहर से भक्ति कर रहे हैं कृष्ण पर, अंदर से मन जा चुका है, अंदर से लड़ाई खत्म हो चुकी है, ठीक है अब करना तो पड़ेगा, देखो नाम अब ले लिया है, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, अब मैं छोड़ नहीं सकता, अंदर ठीक है अभी कोई बात नहीं, मेरे से नहीं होगा, मैं नाम नहीं मिलेगा पर कर लेता हूँ, वो सबसे गलत है। हार मत मानो, माया देवी तो चाहती है आपको हराना, हार मत मानिए, कोशिश जारी रखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते 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 भक्ति मिल जाएगी। एंड उन लोगों के साथ रहिए जो उन्नत भक्त है, उन लोगों के साथ रहिए जो भक्ति में अग्रसर बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज ऐसे लोग ही आपको उत्साह दिला सकते हैं। एक दिन में माला करने से कोई परमहंस नहीं बनता है, आज माला करूंगा, आज 64 नहीं 128 माला कर लूंगा परमहंस, नॉट पॉसिबल। भक्ति स्लोली और ग्रेजुअली बढ़ती है, फ्रॉम योर प्लेस एट योर पेस ज्वाइन द रेस स्लोली एंड ग्रेजुअली। आज 2 माला कर रहे हैं, 1 महीने तक 2 माला कीजिए, फिर 2 से 4 एकादशी आए 2 माला बढ़ा दीजिए, नेक्स्ट एकादशी आए फिर 1 माला बढ़ा दीजिए, कोई बड़ा फेस्टिवल आ रहा है अभी जैसे गौर पूर्णिमा आ रही है 2 माला बढ़ा दीजिए, धीरे 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 माला बढ़ाइए। एकदम से 16 माला पे जंप करेंगे तो 16 माला कर ही नहीं पाएंगे और फिर 16 के बाद 0 हो जाएंगे, नो स्लोली 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 स्लोली। जैसे आज एकादशी का व्रत है, मैं नहीं खाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा, अरे ये बोलते बोलते आप प्रसाद पे मन लगा रहे हैं, बेटर है कि आपका मन जप में लगिए या कीर्तन सुनिए या कथा सुनिए, वो इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मैं आपको बोलू, आपने पिंक मंकी देखा है, गुलाबी कलर का मंकी जो पूरा पिंक है, सडनली ना आपने कभी इसके पहले सुना था पिंक मंकी ना देखा था, पर आप सबका ध्यान वहां चला गया, हाँ पिंक मंकी ऐसा होता है क्या, जब नहीं है तो नहीं है, क्योंकि हमारा मन कथा में होना चाहिए, कुछ बोल भी दिया है तो जरूरी नहीं है कि हमारा मन वहां भटक जाए, तो मन को एकाग्रचित करके रखिए, मन को वहां ध्यान लगा के रखिए। इसीलिए क्या बता रहे भगवान, ज्ञानेन्द्रिया नहीं पहले कर्मेंद्रिया, कर्मेंद्रिया क्या है, हाथ पाव अपना जो ये नासिका है मुंह वगैरह है, उन सबको कर्म की इंद्रिया जो है जिससे हम कर्म करते हैं उनको, जो जेनिटल्स वगैरह है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हाथ है, हाथ को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ क्योंकि हाथ में रेंडर है, जैसे मैं बोलूँ कि नहीं मैं कुछ भी बुरा नहीं देखूंगा, आंखों से कुछ बुरा नहीं देखूंगा, कुछ बुरा नहीं देखूंगा, कुछ बुरा नहीं देखूंगा, 1 महीना नहीं देखा, 2 महीना नहीं देखा, 3 महीना नहीं देखा, तो कभी ना कभी तो आंखें दिखेंगी, कुछ ना कुछ तो दिखेगा, अंधा तो नहीं बन सकता मैं। सो वो कंट्रोल कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, पर कर्मेंद्रिया हाथ पांव यू नो जो मेरे जनेन्द्रिया है उनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे अंडर है। सो भगवान क्या बता रहे हैं कि कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करो, दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि डिजायर्स तो भागेंगे ही पर कर्मेंद्रिय जो है जिनसे आप एक्शन करते हैं, समझिए डियर डिवोटी, जिनसे आप एक्शन करते हैं तो उसको कंट्रोल कर लेंगे आप, तो इट विल बी वेरी मच पॉसिबल। एंड जैसे हाँ अम्बरीश महाराज ने क्या किया था, अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी की सारी सेंसेस भगवान के श्री चरणों में लगा दी थी, आंखों से भगवान के दर्शन करते थे, कानों से भगवान के कीर्तन सुना करते थे, जिह्वा से भगवान का नाम लेते थे, भगवान का प्रसाद खाया करते थे, नासिका से जो फूल भगवान को अर्पण हुए वो सूंघा करते थे, हाथ से भगवान के मंदिर का मार्जन किया करते थे, पांव से भगवान के मंदिर जाया करते थे, हाथों से भगवान के भक्तों का आलिंगन किया करते थे। सो यू नो धीरे 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 हम ये सारी सेवाएं भगवान के भगवान में लगा सकते हैं, सारी सेवाएं।
एक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स नाम जब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अपने नाम करने के बाद, जब करने के बाद वी शुड डू सम एक्शंस। एक्शंस क्या, प्रचार किया, चाहे मंदिर जाके झाड़ू मारी है, कुछ भी कीजिए। दो तरह की मूवीज होती है, एक होती है आर्ट मूवी, एक होती है एक्शन मूवी। कौन सी पसंद है आपको? टिप आप देखा करते थे जब, या अभी भी अगर देखते हैं तो, वो डिशोम डिशोम, ये प्रेमी प्रेमिका आया, वो विलन आया, विलन प्रेमिका को ले गया, फिर हीरो आया, फिर हीरो ने ऊपर छलांग लगाई और ऐसा किया। या फिर आर्ट मूवी जो बस एक दिखा दिया चीज, वो देखे जा रहे हैं, वही दिख रही है, वही दिख रही है, ऑफकोर्स विल गेट बोर्ड। एक्शन मूवी पसंद है ना, भगवान भी देखिए, हम जो मूवी देख रहे हैं वो कैसी है, वो एक्टर है। भगवान जो मूवी देख रहे हैं हमारे लिए, हमको, वो स्क्रिप्टेड नहीं है, वो लाइव चल रही है। भगवान को भी मूवी देखने मजा आता है, पर भगवान को कौन सी मूवी देखने मजा आएगा? एक्शन मूवी। इसीलिए एक्शन कीजिए, भगवान के लिए एक्शन कीजिए। आप प्रचार कीजिए, बुक्स पढ़िए, नाम जप कीजिए, श्रवण कीजिए, और लोगों को जाके इस कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। एक्शन, भगवान को एक्शन पसंद है। ये क्या कहा जाता है, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। जब माइंड में कुछ नहीं चल रहा होगा ना, मन में कुछ भी नहीं चल रहा होगा, आप शून्यवाद लेके बैठे होंगे, तो कुछ ना कुछ उत्प्रांग ख्याल आएंगे। उन उत्प्रांग ख्यालों से निकलने के लिए इट इज बेटर टू एंगेज माइंड टू समथिंग। कर्मयोग क्या है, टू डू एक्शन फॉर कृष्ण, और टू डू एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज कर्मयोग। सिंपल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भक्त को एक्टिव नहीं होना है, भक्त को नहाना नहीं है, ब्रश नहीं करना, प्रसाद नहीं लेना है, जॉब नहीं करनी है, या काम नहीं करना है, या कहीं पर ट्रैवल नहीं करना है। भक्त सब कुछ करते हैं, पर कृष्ण को ध्यान में रखते हैं। हमारा जो हरे कृष्ण महामंत्र है, उसमें हम क्या मांग रहे हैं? हे हरे, हे हरे कौन? हे श्रीमती राधा रानी, हमें भगवान की सेवा में लगाइए। हम ये मांगते हैं राधा रानी से कि हमें भगवान की सेवा में लगाइए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट सेवा कैसी? अनासक्त। हमें भगवान की सेवा से कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें अपना को पूजा लाभ प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। जैसे हम भी, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू डेवलप दिस कृष्ण बंधु, आप सभी की सेवा के लिए, बट वी डू नॉट वॉन्ट कि हम आगे बढ़े। नहीं, अल्टीमेटली कृष्ण कथा, श्री प्रभुपाद, गुरुजन, आचार्य, उनका ही प्रचार होना चाहिए। भले माध्यम हम हैं, माध्यम तो कुछ भी हो सकता है, बट वी वॉन्ट दैट कृष्ण कथा का प्रसार हो। सो भगवान क्या बोलता है, नियत कर्तव्य जो है, रेगुलर ड्यूटीज जो है, वो करते रहना चाहिए। आपकी हेल्थ है, बॉडी है, फैमिली है, उसको मेंटेन तो करना है, बेयर मिनिमम जो मेंटेनेंस है वो करना ही है। भूखे रहोगे, खाना नहीं खाओगे, नहीं मुझे तो भजन करना है, तो भजन करने के लिए शक्ति या ताकत कहाँ से आएगी? वो शक्ति या ताकत के लिए भी तो आपको एनर्जी चाहिए। और लोग बोलते हैं बस बहुत हो गया, अब मैं हिमालय जाऊंगा, गुफा में बैठ के निर्जन भजन करूंगा। निर्जन भजन करोगे, एक महीने बाद सोए मिलोगे वहां पे, क्योंकि निर्जन भजन में कुछ है नहीं। एक महीने, क्योंकि तब तक आपने अपने इंद्रियों को भगवान में नहीं लगाया है। श्री भक्तिदास सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे, कीर्तन भावे स्मरण। यदि आपको नाम जप करते वक्त कैसे मालूम पड़ेगा कि यू आर रेडी टू गो टू वृंदावन और नवद्वीप, सब कुछ छोड़ के, जब नाम जप करते वक्त भगवान के नाम रूप गुण लीला स्वतः प्रकट हो जाए, स्वतः बिना कोई एंडेवर के, तब यू आर रेडी टू लीव दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड गो टू धाम एंड स्टे देयर। दैट इज श्री भक्तिदास सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे। जैसे टीवी ऑन करते ही कोई मूवी या सीरियल चालू हो जाता है ना, सिमिलरली नाम जब शुरू करते, हरे बोलते ही भगवान के नाम रूप गुण लीला जब स्मरण होने लग जाए, तब हम इस दिव्य प्रेम को अनुभूत कर सकते हैं। सो डोंट लीव एंड गो, अरे यार ये सब आसान है, कौन इस माया जाल में पड़ेगा, ये भौतिक जगत बहुत त्रासवादी है, कौन पड़ेगा? सिंपल, चाहते हैं वृंदावन जाके भटक जाए, वृंदावन जाके पड़े रहेंगे, वहां नाम जप करेंगे, एक महीने में वापस आ जाएंगे, क्योंकि निष्ठा ही नहीं है। जब तक निष्ठा नहीं होगी, तब तक संसार क्या छोड़ पाएंगे? और इनफैक्ट ये वैसा एग्जाम्पल हो गया, ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कि हम तब संसार में नहीं रहेंगे तो संसार आसक्ति क्या आएगी? इसका मतलब ये नहीं है कि बांस लिए तो बांसुरी भी नहीं बजेगी, क्योंकि ये तो एक तो आप संसार छोड़ रहे हो, उसका आपको पाप लगेगा, भगवान की शरण नहीं ली, उसका आपको दूसरा पाप लगेगा, क्योंकि वहां जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप पाप और अपराध ही करोगे। अरे यार वृंदावन आ गए, कुछ खाने को नहीं मिल रहा, कुछ देखने को भी नहीं है,
पता नहीं कैसे लोग यहाँ जी रहे हैं। छोड़ो, मैं तो वापस बॉम्बे जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, अहमदाबाद जाता हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो आप अल्टीमेटली यू आर डूइंग नॉनसेंस, क्योंकि आप फिर और फंसते जाओगे इन सब चीजों में। आप देखिए भक्त जो है, आप किसी भी इस्कॉन के सन्यासी को देख लीजिए, दे आर ऑलवेज स्माइलिंग एंड हैप्पी एंड यू नो रेडी टू टॉक अबाउट कृष्णा। बट अब ऑल द योगी ध्यानी है जो हरिद्वार है, हाँ बच्चा आ जा, बच्चा तेरे हम बाप दूर करेंगे, आजा अडरा, शुष्क ज्ञानी है, सूखे हुए हैं, उनमें कोई रस नहीं है, उनमें अहंकार है, मैंने सब कुछ त्याग दिया, मैं सब कुछ त्याग के हरिद्वार आके बैठा हूं। कोई जरूरत नहीं है बाबा हरिद्वार आके बैठने की, जब तक भगवान में मन नहीं है, शुष्क अहंकार आ जाता है उनमें। शुष्क अहंकार का मतलब नहीं है, हमें तो अहंकार चाहिए ही नहीं, हमें तो भगवान की भक्ति चाहिए। इनफैक्ट हमारे आचार्यगण, क्योंकि आचार्यगण इतना सुंदर सब लिख के गए हैं, सब बता के गए हैं। जैसे एक बहुत सुंदर बंगाली भजन है, मिसिंग रत्नावली, अफसोस रत्नावली बहुत सुंदर गाती, बट जैसा है हम कोशिश करेंगे कुछ उस भजन को सुनने की, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोटीज एंड कृष्ण नाम। सो इट इज वेरी वेरी डीप, आप सुनिएगा। जान मुखे भाई हरि कथा नाही तार मुख, सॉरी, जान मुखे भाई हरि कथा नाही तार काटे तुमे जियो ना, जार मुखे देखे भूले जावे हरि, जार मुखे देखे भूले जावे हरी, कर मुखा पाने जियो ना। यार मुखे भाई हरी कथा नाही कर काचे तुमी जियो ना, मतलब जिसके मुख में हरी कथा नहीं है उसके पास मत जाओ, और जिसका मुख देख के आपको हरि का स्मरण ना हो, आपको आप हरि का स्मरण भूल जाओ, उनका मुख कभी देखो मत। क्या सुंदर भाव है। तो हमको भी ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोंट लीव दिस वर्ल्ड एंड गो, इट इज इंपॉर्टेंट कि हम एसोसिएशन में रहें। और कैसे एसोसिएशन में, जहां पे हम बार बार जिनको देख के सुन के बात करके हम भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकें। आप देखिए जो हमारे पुण्यम की तरह सामने है, कृष्ण बंधु है, ये एसोसिएशन को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कि जो भी हम सब कार्य कर रहे हैं वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। जो यज्ञ आगे के श्लोक में यज्ञ की डेफिनेशन भी आएगी 10वें श्लोक के आगे से, कि जो यज्ञ कर्म हम कर रहे हैं वो भगवान कृष्ण को या भगवान विष्णु को सेंटर में रख के ही कर रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे श्रील प्रभुपाद भी कहा करते थे कि इसीलिए प्रचार करना बहुत जरूरी है। देखिए प्रचार करने से क्या होगा, हमारे हृदय की शुद्धि होगी। हृदय की शुद्धि करना बहुत जरूरी, बिकॉज जब मैं कोई चीज को प्रचार कर रहा हूं तो मैं उसका आचरण करूंगा। ठीक है, यदि मैं आपको बोल रहा हूँ कि यू शुड चैंट 16 राउंड, और अगर मैं चार माला कर रहा हूँ मतलब वो चीज सही नहीं। इफ आई टेल यू दैट यू शुड एटलीस्ट हियर 30 मिनट्स पर डे, एंड मैं सिर्फ महीने में एक 30 मिनट सुनता हूँ तो वो सही नहीं है। इफ मैं प्रचार करूंगा तो धीरे धीरे मुझे भी वो सब चीजें करनी पड़ेंगी, और तब हमारा हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध होगा हमारा, तब हम धीरे धीरे उस हृदय में ठाकुर जी का वास करवा पाएंगे, भगवान को बिठा पाएंगे। तो प्रचार करने वाले जो है वो जरूरी है। अरे हम जब एडवांस करेंगे, जब हम प्योर हो जाएंगे तब हम प्रचार करेंगे, नहीं। एडवांस कब होंगे किसको पता, एडवांस करते करते मृत्यु होगी तो किसको पता, प्योर डिवोटी कब बनेंगे किसको पता। जितना सुना है, श्री प्रभुपाद कहते थे 2 सेंटेंस सुबह सुने हैं, शाम को वही 2 रिपीट कर दो, यू आर अ परफेक्ट प्रीचर। हमें तो प्रीचिंग करनी है, हमें तो ठाकुर जी का जो नाम रूप गुण लीला है, भजन है, वो लोगों तक पहुंचाना है। सो कर्म योग के डेफिनेशन भी आ गया हमें समझ में कि हमें जो भी हमको कर्म है, नियत कर्म को करते रहने हैं, भगवान को याद करते रहना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, एंड विल टेक क्वेश्चन एंड आंसर्स इन आवर ग्रुप। सॉरी फॉर गोइंग लाइव ऑन यूट्यूब टुडे। वांछा कर्म विष्णु पसंदु भी वचा पति तरह बामी भी वैष्णव भी नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री राम कृष्ण आचार्य गुरु की जय। श्रीमद भगवद गीता की जय। जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निधाय गौर प्रेम आनंद हरि हरि बोल।